ये हम आपको बता रहे हैं कि 26 अगस्त तक यानी 4 दिन के रिमांड पर, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 4 दिन के रिमांड पर सीबीआई कस्टडी में पी चिदंबरम को भेज दिया है। पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, बड़ा चेहरा कांग्रेस के, और जो लगातार कांग्रेस एक पॉलिटिकल बैटल बनाने की कोशिश कर रही थी उसको ज़बरदस्त झटका लगा है इस सीबीआई कस्टडी में भेजने से। 4 दिन सीबीआई कस्टडी भेजने का मतलब कोर्ट को ये लगता है कि ग्राउंड्स हैं इस तरीके के कि भेजा जाना चाहिए कस्टडी में पी चिदम्बरम को, उनसे पूछताछ की गुंजाइश है, उनका कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। ये तमाम ग्राउंड्स बनते हैं अगर कोर्ट ने कहा है कि 4 दिन के कस्टडी पर भेजना चाहिए। हम आपको यहाँ पर दिखाएं, देखिए हलचल यहाँ पर तेज हो गई है, तमाम जो पुलिस की टीम है, जैसे ही कोर्ट ने आदेश सुनाया उसके तुरंत बाद सीबीआई की टीम एक्टिव हो गई है। पी चिदम्बरम को यहाँ से वापस सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, वहीं पर वो अगले 4 दिन रहेंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी। और ये वो पूरा काफिला जो हमने आपको यहाँ आते वक्त भी दिखाया था, ये सब गाड़ियां फिर से तैयार हैं कोर्ट रूम से बाहर। पी चिदम्बरम अभी कुछ ही पलों में आएंगे और उनको यहाँ से सीबीआई हेडक्वार्टर में लेकर के जाया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त जो मिल रही है, 4 दिन की सीबीआई कस्टडी में कोर्ट ने पी चिदम्बरम को भेज दिया है। अपने आप में ये मायने रखता है क्योंकि पी चिदम्बरम के लॉयर्स और पी चिदम्बरम खुद लगातार पब्लिक डोमेन में ये कह रहे थे कि कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। अब क्या इसके अगेंस्ट अपील करेंगे, क्या हाईकोर्ट में कल पी चिदम्बरम के लॉयर्स ये अपील करेंगे कि इस कस्टडी को शॉर्ट किया जाए, जमानत दी जाए, क्या ऐसी कोई गुंजाइश है कानूनी पहलू, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल हम लगातार आपको राउज एवेन्यू जो कोर्ट है वहाँ सीबीआई की विशेष अदालत में जो सुनवाई हुई उसके बाहर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और अब से कुछ ही पलों में पी चिदम्बरम बाहर निकलेंगे और उनको यहाँ से सीबीआई अपनी कस्टडी में सीबीआई हेडक्वार्टर्स ले जाएगी। ये हलचल तमाम जो यहाँ पर नज़र आ रही है, और अगर आप देखें तो मीडिया भी पूरे तरीके से जो कवरेज यहाँ पर हो रहा है जिस तरीके से, वो आपको मैं एक दृश्य यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि पूरे तरीके से मुस्तैद मीडिया भी, क्योंकि पल पल की खबर लगातार जानना चाहते हैं लोग। और सामने देखिए आप, प्रणव झा मीडिया सेक्रेटरी जो हैं वो यहाँ पर कांग्रेस के नज़र आ रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता, मुकुल वासनिक यहाँ पर मौजूद थे, हरीश रावत यहाँ पर मौजूद थे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता और वकील के तौर पर यहाँ पर मौजूद थे। कांग्रेस एक तरीके से पूरा समर्थन अपना दिखा रही थी, उसके बावजूद बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को जब ये 4 दिन की कस्टडी सीबीआई कोर्ट ने पी चिदम्बरम की दे दी है। एक तरीके से प्राइमा फेसी कोर्ट ने ये पाया है कि ज़रूरत है उनसे पूछताछ की, वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए जो सीबीआई ने जो दलील दी थी कि उन्हें कस्टडी की ज़रूरत होगी, वो दलील मानते हुए यहाँ पर पुलिस ने 4 दिन की कस्टडी दे दी है। 5 दिन की कस्टडी मांगी थी सीबीआई कोर्ट ने, 4 दिन की कस्टडी यहाँ पर दी गई है। तो कांग्रेस के ये तमाम छोटे बड़े नेता जो कोर्ट परिसर में भी मौजूद थे, वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि पी चिदम्बरम यहाँ से निकले। हमने देखा था कि जब पी चिदम्बरम आए थे तो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। देखना ये होगा कि अब कैसी बॉडी लैंग्वेज होगी, सीबीआई की कस्टडी में अगले 4 दिन रहना होगा, तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, क्या बॉडी लैंग्वेज होगी ये देखना होगा। क्योंकि पी चिदम्बरम जब यहाँ पर पहुँचे थे तो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आने की कोशिश कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हाथ हिलाकर मीडिया को एक तरीके से अभिवादन कर रहे थे। तो साफ तौर पर नज़र आता है कि जो प्राइमा फेसी जो आर्ग्यूमेंट सीबीआई ने दिए वो कम से कम यहाँ पर कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे वो यहाँ पर कामयाब होते हुए नज़र फिलहाल नहीं आ रहे हैं। तो ये आप दृश्य देख रहे हैं कोर्ट के अंदर का कि किस तरीके से आप राधिका खेड़ा ये सामने देख सकते हैं आप, तमाम जो कांग्रेस के मीडिया विभाग के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, शायद इसी उम्मीद में कि अगर यहाँ से कुछ राहत मिलती है तो उसको पॉलिटिकल गेन के लिए कांग्रेस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, कोशिश कर सकती है, और वो यहाँ पर पूरी तरह से नाकामयाब। तो मुरझाए हुए चेहरे तो आपको यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं के नज़र आएंगे, साथ ही पुलिस की टीम पूरी तरह से मुस्तैद। विक्रांत जो कोर्ट रूम में मौजूद थे वो अभी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विक्रांत, क्या हुआ कोर्ट रूम के अंदर, ये 4 दिन की कस्टडी कैसे, आर्ग्यूमेंट्स तो बहुत लंबे लंबे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे थे। देखिए बिल्कुल, सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से काफी दलील दी गई। सीबीआई की सबसे बड़ी